आई एम एट पार विद एवरीवन और मेरी डिसेबिलिटी डिसअपीयर हो जाती है। हर किसी ने नवीन को रोकना चाहा, समझाना चाहा कि ये मुमकिन नहीं है, पर नवीन बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहा, डिटर्मिन रहा। आफ्टर ऑल द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डील एंड एन एडवेंचर इज जस्ट योर पर्सपेक्टिव। सारी चीजें मेरे अगेंस्ट थी, मेरे पास गाड़ी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। गाड़ी मुझे 3 दिन पहले मिली एक्सपेडिशन से, 3 दिन के अंदर उस गाड़ी को मॉडिफाई करना है एसयूवी को और फिर इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करना है। मैं 1000 बार फेल हो चुका था पहले, क्योंकि स्पॉन्सर ने एक बार यकीन किया है, लोगों ने एक बार यकीन किया है, मीडिया कवर कर रहा है, न्यूज चैनल्स कवर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। अगर मैं एक बार अटेम्प्ट करके फेल हो जाता तो फिर दोबारा मेरे ऊपर कोई यकीन नहीं करता। हमारे को भी डर लगा, नवीन के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया, रिलेटिव या फ्रेंड थे सब ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन नवीन बोला मैं जाऊंगा जरूर चाहे कुछ भी हो। तो मैंने नवीन की मदर को या अपने जो ग्रैंड नवीन के पेरेंट्स थे उनको ये बोला जब ये सब कुछ खो चुका है तो क्यों इसको बंद करें, इसका शौक है तो इसको जाने दो। से जर्नलिस्ट वगैरह पूछ रहे थे आर यू एक्साइटेड, तो मैं बोल रहा था कि नहीं आई एम नॉट एक्साइटेड, क्योंकि अगर मैं एक्साइटेड हुआ तो शायद अगले कॉर्नर तक ही थक जाऊं, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व करके रखूंगा तब इतना लंबा मैच चला पाऊंगा। धीरे धीरे करके सिचुएशन टफ होती गई और मुझे ये पता भी था कि चांसेस कितने माइन्यूट हैं इस टारगेट को अचीव कर पाने के। नवीन ने कभी एसयूवी चलाई थी, ना उस वक्त कोई जीपीएस अवेलेबल था, ना ही मार्सल निकला तक कोई पक्की सड़क जाती थी। क्लियरली नवीन हैड एम्ड टू टच द स्काई। हमारे लाइफ के हर एक्सपीरियंस में एक एनर्जी होती है, हार में एक एनर्जी होती है, उसको अपने अंदर रखना चाहिए और सही जगह पे जब आप थक रहे हो, जब आपके पैर हाथ जवाब दे रहे हैं या आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, तब उसको याद करना चाहिए ताकि वो काम आए। तो मैंने उस जर्नी के दौरान अपनी सारी हारों को भी याद किया ताकि उनसे मेरे को मोटिवेशन मिल सके, एनर्जी मिल सके। जो चीज़ें मेरे को मोटिवेट कर सकती थी वो हर चीज़ मैंने की और हर चीज़ मैंने कही, तो हर पॉसिबल चीज़ को मुझे यूज़ करना पड़ा उस चीज़ को, उस एक्सपेडिशन को, उस रिकॉर्ड को अकम्प्लिश करने के लिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब वो गाड़ी चढ़ाते हुए और एक माउंटेन पास पे वहाँ जाके रुक गई थी, जहाँ गाड़ी आगे जाने से मना कर रही थी, हीट अप हो गई थी, एक बार ब्रेकडाउन हो चुका था गाड़ी का हीट होने की वजह से। उस सिचुएशन में मैंने मेरे स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि हम एक लास्ट अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पहुँच के लग रहा था कि शायद ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, हम हार चुके हैं या अब आगे नहीं जाया जा पाएगा, क्योंकि गाड़ी ही जवाब दे चुकी है। लेकिन वो एक लास्ट अटेम्प्ट हमने किया, से स्टूडेंट से कहता हूँ कि फियर ऑफ फेलियर इज द मेन रीजन ऑफ फेलियर। हारने का डर हारने की सबसे बड़ी वजह होती है, और शायद मैं उस दिन इसीलिए जीता क्योंकि मेरे में हारने का डर नहीं था। माउंटेन पास को ऊपर पहुंचने के बाद मुझे घमंड नहीं हुआ, मुझे ह्यूमिलिटी फील हुई, मुझे लगा कि जिंदगी कितनी इमेंस है, कितनी बड़ी है,
और इस जिंदगी में हार जीत कितनी छोटी चीजें हैं। हम सबके अंदर एक वो मासमिक है जिसको हमें जीतना होता है, और जब हम जीत लेते हैं उसको तो उसके बाद हमारी लाइफ जो है एक तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। ड्राइव करते करते नवीन को ये एहसास हो चुका था कि लाइफ में यू हैव टू कीप मूविंग ऑन। सो अपने सफर में नवीन आगे बढ़ता रहा। उसने लिखना शुरू किया, किताबें पब्लिश होने लगी, उसे मोटिवेशन लेक्चर्स के लिए बुलाया जाने लगा। ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ मुझे, ऐ खुदा दे कुछ और तकलीफ मुझे, नई कोई चुनौती तो दे कि जिंदगी को और जीने को जी चाहता है। कुछ तो आंधियों को उठा, कुछ तूफान तो हो कि आसमानों को फिर छूने को जी चाहता। उसने अदा यानी अपनी दुनिया अपना आशियाना नाम की एनजीओ शुरू की जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करती है। आज नवीन ने एक बात ठान ली है, देयर इज नो फिनिश लाइन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। और यही स्पिरिट बनाती है उसे एक सच्चा हीरो, एचआरएस हीरो। यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई एम ऋतिक रोशन एंड यू आर वॉचिंग डिस्कवरी। Stay inspired.